नमस्कार और आदाब। स्वागत है आप सभी का QNS के न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्की। आज जम्मू कश्मीर में कुल 774 टोटल पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें जम्मू डिवीज़न से 229 और कश्मीर डिवीज़न से 545 रजिस्टर हुए हैं। वहीं अगर हम डेथ केसेस की बात करें तो वो 12 दर्ज हुई हैं, जिसमें 7 जम्मू डिवीज़न से है और 5 कश्मीर डिवीज़न से। वहीं अगर हम टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स की बात करें तो 1965 दर्ज हुई हैं। तो ये थे आज दिन के कोविड के आंकड़े। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट ने कोविड कंटेनमेंट मेजर्स में फर्दर रिलैक्सेशन देने की अनाउंसमेंट की। वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, शुपियन, कुलगाम, गांदरबल और बांडीपोरा है। एज़ पर द ऑर्डर, बार्बर शॉप्स, स्टैंड अलोन शॉप्स, आउटडोर बाजार्स, आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सैटरडे संडे को छोड़कर सब दिन खुले रहेंगे। UPHC वांगनपोरा के हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने इस इलाके में डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट किया। वहां के लोकल्स ने उनके इस कदम को सराहा। आज तहसीलदार मईन अजहर ककरू ने COVID-19 SOPs के वॉयलेशन को मद्देनज़र रखते हुए श्रीनगर में मगरमल बाग के शिफा हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट किया। वॉयलेशन के कारण हॉस्पिटल को 20,000 रुपये का फाइन चार्ज किया गया। दोस्तों, ये थी कोविड से जुड़ी कुछ खबरें। अब दूसरी खबरों की ओर नज़र घुमाते हैं। सोपोर से एक अपडेट आया कि SHO सोपोर आज़िम इकबाल का साउथ कश्मीर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इंस्पेक्टर खालिद फयाज अब सोपोर के नए SHO होंगे। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके में लोगों में पैनिक की लहर दौड़ गई। उस एरिया में कल रात 10 बजे के आसपास तेंदुए यानी लेपर्ड को देखा गया, जिसके बाद वहां के मस्जिद लाउडस्पीकर से घरों से ना निकलने की अनाउंसमेंट करवाई गई। इस खबर के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एकदम हरकत में आई और उसे पकड़ने के लिए खोज शुरू कर दी। एक और खबर आई कि तूफान आने के कारण कच्चा मकान गिरने से पुंछ में एक 26 साल के लड़के की मृत्यु हुई। इस तूफान से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी क्षति पहुंची। आज की आखिरी खबर में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX के लिए 498.8 करोड़ का बजटरी सपोर्ट सैंक्शन किया गया। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखें, सारे SOPs और गाइडलाइंस को फॉलो करें, और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो फटाफट से जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। और बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।